अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अतर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बाबर आजम एंड T20 कैरियर, T20 क्रिकेट। बाबर आजम का ओवरऑल कैरियर इन T20 एंड द T20 क्रिकेट पर भी हम बात करेंगे, टीम के मुतालिक, रोल्स के मुतालिक। सो बाबर आजम ने अपना छठा 100 बना दिया है अपना T20 कैरियर में, लास्ट मैच में इन डोमेस्टिक T20 कप में, नेशनल कप में। सो बाबर आजम ने 500 कर चुके हैं डोमेस्टिक इवेंट्स में, चाहे वो इन द पाकिस्तान डोमेस्टिक हो या वो दूसरी लीग्स हो या काउंटी क्रिकेट हो। सो 100 उनका इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है, 122 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ओवरऑल हम बात करेंगे तो हम एवरेजेस बात करते हैं तो 45.25 की एवरेज है बाबर आजम की, एंड ही स्कोर्ड 20-50s इन T20 और बहुत तकरीबन कंसिस्टेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं T20 में और तकरीबन सारी फॉर्मेट्स में वो कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। समझने की बात यह है कि बाबर आजम ऐसा क्या वजह है कि जो रुक नहीं रहे, और कौन रोने रुकेगा और किस तरह ये रुकेंगे। सो मैं आपको ये वो बताऊँ, बाबर आजम को कोई रोक नहीं सकता। बाबर आजम अगर रुकेंगे तो वो खुद ही रुकेंगे, और वो मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड जो डेवलप हुआ है वो शुरू से ही डेवलप हुआ है लंबी बारी करने का, और रन्स के साथ और अपनी बैटिंग के साथ बहुत ज़्यादा वो कंसर्न है, और वो हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको वो छोड़ते नहीं, उसको पूरा ग्रैब करते हैं और मुकम्मल ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम रन्स करें, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत हाई है। वो अपने आप को पुश करते हैं, अपनी लिमिट्स को समझते हैं, अपने गेम को समझते हैं। सो उसको देखते हुए अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, तो 61 मैचेस के खेल चुके हैं, 2204 रन्स बना चुके हैं विद द एवरेज ऑफ 45.25। वेयर एज द ओवरऑल जो T20 का एवरेज है वो मैं आपको ज़रा सही कर दूँ, वो है 46.89। सो बाबर आजम 100 भी कर चुके हैं T20 में, कैप्टन भी हैं, और ओपनिंग स्लॉट पे T20 में स्पेशली वहाँ खेलना वो पसंद कर रहे हैं, और वो जगह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, जो पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी। अब समझना ये है कि जो बैट्समैन बाबर आजम हो, वो किसी भी टीम में खेल रहे हों या उन जैसे कोई भी प्लेयर हो जो किसी टीम में खेलते हैं, कि हमें उन टीमों में ऐसे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट को फोकस करना पड़ेगा, ओवरऑल पैकेज देखना पड़ेगा, या जो रोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू द टीम डिमांड उसको हमें सोचना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कंसर्निंग के इसकी बिहाफ पर ही आप सिलेक्शन करते हैं, इसकी बिहाफ पर ही आप प्लेयर्स में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इम्पैक्ट प्लेयर अगर हम T20 ओवरऑल के हिसाब से बात करें तो T20 में इम्पैक्ट प्लेयर वो होता है जो मैच को इधर से उधर करते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है उनमें उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो उसमें किसी ना किसी मैच में वो कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर, अगर 10 मैचेस में बात करूँ तो वो तकरीबन 4 मैचेस में अगर ऐसा कर जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मैच प्लेयर बन जाते, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर माने जाते हैं इन क्रिकेटिंग सेंस और क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स T20 के हिसाब से भी, T20 इंटरनेशनल के हिसाब से भी। अगर वो कंसिस्टेंट होते हैं तो, और आपकी टीम में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंट नहीं है और सारों की नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं मानता हूं कि 20 बॉलों पे हमें 30 40 50 रन चाहिए होते हैं, लेकिन क्या ये अगर हम 20 बॉलें खेल के या 10 बॉलें खेल के 20 रन कर देते हैं एंड वी वॉक आउट और बाहर आ जाते हैं, तो क्या ये हेल्पिंग फॉर हैंड रहेगा किसी भी टीम के लिए? तो क्या उसके साथ हमें देखना पड़ता है कि दूसरे मास्टर ब्लास्टर किस टाइप के आपके पास मौजूद है, तो फिर ये रोल डिफाइन होता है। वेयर एज बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक बाबर आजम 130 के अराउंड, 130 28-29 की एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, तो इनको जब ये ओपन पे जाएं तो ये उनको पूरा मैच फिनिश करना चाहिए, क्योंकि ये लंबा रन खेलते हैं, इससे विकेट्स भी इंटैक्ट रहेंगी और एक एंड आपका सेफ रहेगा और रन्स भी चलते रहेंगे। उसके साथ दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से उनका स्ट्राइक रेट हाई होना चाहिए, वो थोड़ा सा नीचे जब आ जाते हैं डाउन द ऑर्डर, उसमें मास्टर ब्लास्टर आपको चाहिए होते हैं। रिसेंट पास में अगर हम देखें तो ये रोल शाहिद अफरीदी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया, चाहे एवरेजेस 12 रन की हों या 15 रन की हों, वो उनके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद थी कि वो उसको चेस कर सकते थे और वो रन रेट को मेंटेन कर सकते थे, और इसीलिए वो इम्पैक्ट प्लेयर थे और मैचेस, काफ़ी मैचेस उन्होंने अपने कैरियर में
अपने फेवर में ली हैं अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक। सो हमें डाउन द ऑर्डर इस चीज़ को समझना पड़ा, बट अपर ऑर्डर में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है 130 के साथ अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो नॉट बैड, उसके साथ हमें दूसरी चीज़ें छोड़ना होंगी, क्योंकि जो प्लेयर कंसिस्टेंट होते हैं उनको हम छेड़ते नहीं, और वो कंसिस्टेंट होते ही इसीलिए हैं कि उनको उनके साथ उनको इन्वायरमेंट, एक उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, फिर उसके साथ उनको इन्वायरमेंट, टीम इन्वायरमेंट, टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो इन्वायरमेंट रहता है वो बड़ा हेल्पिंग हैंड रहता है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता, उनके साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहे। अगर वो बाबर आजम इसको मेंटेन ही कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि उनके स्ट्राइक रेट को बढ़ाया जाए तो आप जानते हैं कि जितने भी हम T20 के प्लेयर्स को देखें जिनका स्ट्राइक रेट हाई है तो वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, और अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होते तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिजवान उनके साथ रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं, ओपनिंग स्लॉट में ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजवान डे बाय डे इंप्रूव करते चले जाते हैं। जब आप अपने मैचेस के साथ कंसिस्टेंट होते हैं, आप खेलते चले जाते हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, तो फिर वो प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो अपने आप को वक्त के साथ इंप्रूव करें अपनी परफॉर्मेंसेस को, जिस तरह रजवान कर रहे हैं, बाबर मेंटेन किए हुए हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑलरेडी उन्होंने जो बेंचमार्क है, जो स्टैंडर्ड है वो हाई कर दिया है फॉर अदर प्लेयर्स कि भाई ये रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे तो खुद ही रुकेंगे और कोई रोक नहीं सकता, रन के ढेर बनाते जाएंगे और करते चले जाएंगे। सो यही एटीट्यूड और यही रोल मॉडल एज अ रोल मॉडल पाकिस्तान टीम में या किसी भी टीम में ऐसे प्लेयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और उनका हम छाड़ी न्या करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे प्लेयर्स के साथ हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्ट्राइक रेट को फोकस करें तो याद रखें उनको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर, कि भाई उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और उनको एक सर्टन टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम तक अगर आप में मैनेज करना, फॉर एग्जांपल 10 मैचेस अगर हम ले लेते हैं तो 10 मैचेस में हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा क्या क्या प्लेयर ये इम्प्रूव कर रहा है, कितना कंसिस्टेंट हुआ, कितना इम्पैक्ट प्लेयर बना, ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। सारे लोग इसी तरह ही देखते हैं और यही चीज़ें देखने की होती हैं। सिर्फ अगर हम सोशल मीडिया को लेकर ख्वाहिशें जाहिर करते रहें तो आई थिंक इट्स ए टू कन्फ्यूजिंग चीज़ हो जाएगी, तो हमें स्ट्रिक रहना पड़ेगा अपनी बेसिक्स के साथ। उदो के अगर हम बाबर आजम और T20 के ऊपर ओवरऑल बात करते हैं पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान के सिर्फ 3 ही बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 100 किए हैं, उसमें हैं अहमद शहजाद जिन्होंने 111 रन किए हैं, दूसरे हैं बाबर आजम 122 रन किए हैं, तीसरे हैं मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 104 रन किए हैं, चौथे प्लेयर बन जाते हैं हफीज़ लेकिन वो बन नहीं सके, वो 199 नॉट आउट पे फिनिश किया, हाईएस्ट रन उनके वही हैं, ऑल दो कि उनके 50s बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल मिडल ऑर्डर में या वैसे हम दूसरे प्लेयर्स की हम बात करें तो हफीज़ 113 मैचेस खेल के मोर देन 2500 के करीब रन किए हुए उन्होंने, और शोएब मलिक हैं उन्होंने काफ़ी रन किए हुए 2500 से ऊपर तकरीबन करीब अराउंड, और उसके बाद ये बाबर आजम है जिनके 2204 रन हैं, उसके अलावा 3-4 प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन मोर देन 1200 रन किए हैं T20 इंटरनेशनल्स में, अदरवाइज बाकी प्लेयर्स इन एंड आउट एंड जा रहे। आपको पता है कि जब लोअर ऑर्डर जो है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, उसका हम स्ट्राइक रेट देख सकते हैं लोअर ऑर्डर में, अपर ऑर्डर में हमें कंसिस्टेंसी भी देखनी है। सो जो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो अपर ऑर्डर में आप कंसिस्टेंसी और एक रिक्वायर्ड एवरेज स्ट्राइक रेट है उसको अगर हम देखते हैं अराउंड 130 तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज जब हम लो डाउन द ऑर्डर करते हैं उनके पास रन ओवर ज़्यादा नहीं मिलते, बॉल उनको ज़्यादा खेलने को नहीं मिलती, तो हम उधर फोकस कर सकते हैं स्ट्राइक रेट नॉट द एवरेजेस एंड ओवरऑल पैकेज कि, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो कितने मैचेस में कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम ओवरऑल नॉट बैड है, और रही बात बाबर आजम की तो बाबर आजम स्टिक करें अपनी एबिलिटीज़ को, वो समझते हैं और उसी को लेकर चलते रहें, तभी वो स्टैंडर्ड्स हैं और जो बेंच मार्क है वो हाई करते चले जाएंगे, तो ऐसे प्लेयर्स को आप ना छेड़ें। एक्सपेरिमेंट अगर बाबर आजम आपने करना भी है तो आप डोमेस्टिक में या अपने दूसरे मैचेस में कर सकते हैं, ताकि यू नीड टू नो कि यार आप क्या क्या और मज़ीद कर सकते हैं। कन्वेंशनल शॉट्स आप ज़्यादातर बाबर आजम खेलते हैं, अनकन्वेंशनल या जो मॉडर्न शॉट्स आ गए हैं क्रिकेट में वो अभी अप्लाई नहीं करते हैं, सो नो नीड फॉर दैट। अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाउन द ऑर्डर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, और उसमें इनोवेशन और
अब मॉडर्न शॉट्स के खेलना पड़ेंगे तभी आप एवरेजेस को पकड़ सकेंगे, लेकिन एबिलिटीज जब शायद अफरीदी जैसे प्लेयर हमारे पास मौजूद नहीं है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे आखिर में और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया, तो इस तरह के प्लेयर्स डेवलप करने की ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट और कल्चर ये सारा कुछ बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी कूल एंड काम रहना पड़ेगा, चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगी और खुली देना पड़ेगी ताकि उन प्लेयर्स का ओवरऑल इनसाइड आउट कंप्लीट पता चले, देन वी एवेल्यूएट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस। सो आई होप बी विद मी, आप उम्मीद करता हूँ कि इस मेरी इस थॉट से एग्री करेंगे, एंड यू नीड टू अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स का इस में ज़रूर इजहार कर सकते हैं, आपके कमेंट्स आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सो बी विद मी, दिस इज़ माय थॉट्स, दिस इज़ माय आइडिया अराउंड द क्रिकेट एंड बाबर आजम के लिए। बाबर आजम वेरी वेल डन, कीप गोइंग लाइक दैट, आपको कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ये जो कर रहे हैं इसी को करते चले जाएँ, एंड दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तान नीड एंड दिस इज़ व्हाट योर रोल इज़ required in the team. So I think you are doing very well done. Keep going, keep working hard and keep raising the standards and benchmark. Thank you very much. Be with me on my YouTube channel.